मैं राघव चड्ढा गौरव बल्लभ से कमेंट लूं, उसके पहले भरत कात्यायन कुछ कहना चाह रहे हैं। भरत जी आपके पास आ रहा हूं, ये बताते हुए कि अभी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है और उनका कहना है कि देश भर के किसान संगठन सरकार को समर्थन दे रहे हैं, देश भर के किसान सरकार के साथ हैं और वो किसान संगठन कृषि कानून के महत्व को समझते हैं और साथ ही ये भी कि जो आंदोलनकारी किसान है वो आंदोलन राजनीतिक आंदोलन है। अब बताइए भरत कात्यायन साहब क्या कह रहे हैं आप संबित जी की बात सुनने के बाद और मंत्री जी का ट्वीट सुनने के बाद। रोहित जी, मैं आपकी बात से 100% अपने बात को एक मानता हूं। आपने जैसे कहा कि ये किसान आंदोलन हो रहा है, देखिए मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं, मैं किसान समर्थक हूं, मेरे अपनी खुद के पॉलिटिकल व्यूज हैं, मेरी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है। मैं संबित जी के आपने जैसे कहा कि सस्पेंड कर दें, हम उसमें बहुत खुश हैं, आप सस्पेंड कर दें, संशोधन कर लें और दूसरा बिल ले आए। लेकिन संबित जी से मेरा सिर्फ एक सवाल है। संबित जी, आप बड़े ही गंभीर व्यक्ति हैं और मैं आपकी हर बात को बहुत गंभीरता से सुनता हूं, लेकिन आप इन बिलों के साथ कुछ चीजों को जैसे जोड़कर आप कई सारी बातें कह गए एक फ्लो में कि इसको ले आओ प्रधानमंत्री की जगह उनको बैठा दो। ऐसा किसी को कुछ नहीं चाहिए, कोई किसान ये नहीं कह रहा, किसान ये कह रहा है आप इन बिलों पर संशोधन करें और इन बिलों पर चर्चा करें, आप मुझसे इन बिलों के ऊपर बात करें। सर गांव जाए आप, गांव मैं गांव से आता हूं, संबित जी मैं गांव से आता हूं और अब गांव जाए, मेरी बूढ़ी माँ, मेरे बूढ़े घर के लोग, उनको एक टाट पट्टी मिल जाती है ना, उसको संभाल के रखते हैं, ऐसे लोगों से भंडारण करेंगे ये उम्मीद करते हैं? सर सर इकोनॉमिकल कंडीशंस को समझें सर, मेरी ये इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, आप बोले आप कुछ कहना चाहते हैं। देखिए भाई साहब ने, भारत जी ने बहुत अच्छे से बातचीत की, इसी प्रकार से बातचीत होनी चाहिए। मैं दो विषय रखता हूँ। इन्होंने कहा किसानों का डिमांड तो और कुछ नहीं है कि उसको हटाओ, इसको बैठा दो। मैं आपको मतलब सविनय कहूंगा, आप कुछ किसान संगठनों के डिमांड्स को देखिए, वो छठा नंबर पॉइंट देखिएगा। छठे नंबर पॉइंट में उन्होंने कहा है जितने भी ये जो पोएट्स हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जिनको जेल के अंदर रखा गया है, तुरंत उनको रिहा कर दिया जाए। कौन सा पोएट, कौन सा किसान पोएट को हमने जेल में रखा हुआ है? ये जो वारावारा राव जेल के अंदर है, ये किसान नहीं है, और दूसरी बात है ये नक्सल है, उसको जेल सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है। तो ये वारावारा राव को रिहा करने की डिमांड कुछ संगठनों ने जो किया है, आप बिल्कुल देखिए, ये कम्युनिस्ट एजेंडा है। मैं किसानों के लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ कम्युनिस्ट जिन्होंने हाईजैक किया है उनके लिए कह रहा हूं। महात्मा गांधी को रेपिस्ट कहना, क्या महात्मा गांधी रेपिस्ट थे? आप बताइए, जिस प्रकार से कल महात्मा गांधी को रेपिस्ट कहा गया अमेरिका में, उनको स्टैचू को, उनके स्टैचू को छटा छोड़ दीजिए, बाकी पांच का तो हां तोड़ दिया गया। छटा छोड़ दीजिए, उनसे कहिए हम छटा नहीं मानते, बाकी पांच पे तो बाकी पांच पे हम मान रहे हैं। नहीं, बाकी पांचों संबित जी, गांधी जी की चर्चा नहीं कर रहे, बाकी पांच हो रही है, चर्चा कर रहा हूँ आपका। सवाल ये है, नहीं, कि छठे दोनों की जवाब, बाकी मैं दोनों का जवाब दे रहा हूँ, कोई को छोड़िए ना। मैं किसान बिल, मैं सर किसान बिल की बात करूँ, मैं जवाब, मैं बोल सकता हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं मांगों के बारे में ही पूछ रहा था, क्योंकि आपने कहा कि कहाँ मांग ऐसा है, मैंने आपको उदाहरण दिया। अब आपने कहा मैं तो बिल की बात करूँ सर, मैं पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह जैसे आपसे पूरे भरत, चलिए ठीक है भरत जी, आप मांग की बात नहीं कर रहे, मैंने मांग की बात की, अब हम बिल पे ही आ जाते हैं, अब हम बिल पे ही आ जाते हैं। आपने कहा भंडारण के विषय, देखिए यहाँ पर कांग्रेस, एक सेकंड भरत जी, मैं कंप्लीट कर दूं, आप ही विषय को आगे बढ़ाते हैं। बिल से ही कुछ कोट करना चाह रहे हैं आपसे, बिल से ही कुछ कोट करना चाहते हैं। मैं एक सेकंड में, भरत जी ने मुझे भंडारण के विषय में कहा, उसी विषय में उत्तर देकर भरत जी उत्तर प्रश्न पूछ लेंगे। भरत जी ने मुझे बूढ़ी माँ के भंडारण के विषय में कहा, उचित प्रश्न था। इसी भंडारण के लिए अभी गौरव बल्लभ जी बैठे हैं, अभी ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लेकर अटैक करेंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। क्या लिखा था इन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लेकर अपने मैनिफेस्टो में? गौरव बल्लभ जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने लिखा था कि ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है 2019 में लिखा था, दिस इज एन एक्ट ऑफ डार्क एजेस, ये डार्क एजेस का एक्ट है और हम सरकार में आएंगे तो हम इसको रिपील कर देंगे। सभी लोग चाहते थे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में मॉडिफिकेशन हो। संबित जी कांग्रेस में मत जाइए, संबित जी हमारी आपकी चर्चा हो रही है। ठीक, वो मैं यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता पे आप पूछिए टिप्पणी करें जब कांग्रेस के प्रवक्ता वो सवाल उठाएं, लेकिन एक किसान नेता के तौर पे अगर भरत जी कुछ आपके सामने तथ्य रख रहे हैं तो मुझे लगता है उनको बतौर किसान ही जवाब दे, ना कि बतौर कांग्रेस नेता या बतौर आम आदमी पार्टी नेता या बतौर वामपंथी। पूछिए, बोलिए भरत जी, सवाल उठाइए अपना, उसके बाद राघव चड्ढा और गौरव आपके पास। तो फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन अग्रीमेंट बिल नंबर 112 ऑफ 2020 सर, इसको खोलें और इसमें आप अपने बिल में प्राइस एंड फेयर प्राइसिंग में जाएं, उसके बाद सेल एंड परचेज में जाएं। सर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 7, सारे पॉइंट एक बार पढ़ते हैं, मैं एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए। द स्पॉन्सर में बिफोर एक्सेप्टिंग द डिलीवरी ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस इंस्पेक्ट द क्वालिटी और एनी अदर फीचर ऑफ सच प्रोड्यूस और स्पेसिफाइड। सर ये एक बार नहीं है सर, कई बार है। आप मुझे ये बताएं, अगर ये किसानों के हित का बिल था सर,
तो इसमें आप लिखते कि कोई भी ऐसी चीज, सर बोलिए बोलिए, आपने कंप्लीट नहीं करने दिया ठीक समीर है, जी। क्योंकि अच्छी अच्छी बात है। नहीं एक, एक नहीं नहीं मैंने तो उंगली ही उठाया भरत जी, आपने एक प्रश्न पूछा है उसी में पॉइंट हाँ, तो नंबर मेरा पांच, प्रश्न पूरा हो रेफरेंस जाए, मेरा पॉइंट नंबर प्रश्न पांच पूरा हो में जाए पढ़ देता हूं, क्योंकि समीर क्यों जी, मेरा प्रश्न पूरा हो अच्छा जाए। बोलिए बोलिए आप पूरा कर लीजिए, पूरा कर ले, मेरा पूरा प्रश्न करिए समीर भरत जी ये जी, है मैं कि सिर्फ उंगली ही इसमें उठाऊंगा, आप बीच में आए, बोलूंगा नहीं। टोटल मैंने 7 जगह मार्क किया हुआ है जहां की जो लैंग्वेज है। सर मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं इंग्लिश थोड़ी बहुत जानता हूं और आपको बहुत फॉलो करता हूं, आपकी हर बात को गौर से सुनता हूं। सर इन लाइनों में ना एक बात नहीं समझ में आ रही कि ये क्यों नहीं लिखा कि किसान का अगर प्रोड्यूस थोड़ा सा खराब हो जाएगा तो कुछ दर नीचे पर उसका बिक जाएगा। आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि कोई प्राइवेट मैं इसका कंपनी उत्तर अगर देता हूं, डील करती है तो वो डायरेक्ट फार्मर से जब डील करेगी तो उस डील के जो मुख्य चीजें होंगी उन मुख्य चीजों के ऊपर अधिकार क्षेत्र सिर्फ ठीक किसान का होगा।